integrate it. Add wings to your career. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटीग्रेट इट। ठीक है, अपन ने पिछले लेक्चर में बेंडिंग स्ट्रेस स्टार्ट किया था। ओके, बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैंने पिछले क्लास में भी कहा था कि हमारा एसएससी जेई हो, चाहे राजस्थान जेई हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के सिलेबस में बेंडिंग स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आगे शियर स्ट्रेस भी आएगा इसके बाद, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपन ने बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम में, अपन जिसने मेरा पहले लेक्चर नहीं देखा है उसको मैं फिर कह रहा हूँ, पहले आप वो लेक्चर देखिए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट में है। उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं कि बेंडिंग स्ट्रेसेस इन द बीम्स कैसे इवेल्युएट करते हैं, क्या होता है, और थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। पिछले लेक्चर में अपन ने देखो क्या देखा था, सिंपल कि जैसे एक बेंडिंग, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम थी। अगर मैं कोई लोड लगाता डब्ल्यू, ठीक है, अगर मैं कोई लोड लगाता डब्ल्यू इस सिंपली सपोर्टेड बीम में, तो ये बीम क्या हो जाती थी, बैंड हो जाती थी, और ये ऐसे बैंड होती थी कि ऊपर वाले फाइबर्स में तो आता था कंप्रेशन, और नीचे वाले फाइबर्स में क्या आता था, टेंशन। और जस्ट कैंटिलीवर की बात करता मैं अगर बीम की, अगर कोई बीम कैंटिलीवर होती और मैं इस पर लगाता लोड, तो ये कैसे डिफ्लेक्ट हो जाती, बैंड हो जाती ऐसे, और ऊपर तो आता टेंशन ऊपर वाली फाइबर्स में। ऊपर वाली फाइबर्स कौन होगी, जो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर हो, जो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर हो वो कंप्रेशन, जो न्यूट्रल, ये न्यूट्रल एक्सिस होती है, न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेसेस क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक, ऊपर आता है कंप्रेशन और नीचे, ऊपर आता है टेंशन, नीचे आता है कंप्रेशन, किस में, कैंटिलीवर में। ये क्या है, कैंटिलीवर टाइप ऑफ बीम, और ये क्या है, सिंपली सपोर्टेड। अब बाकी कोई भी हो, कैंटिलीवर को छोड़ के बाकी कोई सी भी बीम हो, भले सिंपली सपोर्टेड हो, कंटिन्यूअस हो, ठीक है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर, नहीं प्रॉप्ड कैंटिलीवर, क्योंकि कैंटिलीवर ही है वो एक तरीके का। ठीक, तो ऊपर टेंशन नीचे कंप्रेशन, क्लियर। और एक और चीज क्या देखी थी, फ्लेक्चर फॉर्मूला देखा था, फ्लेक्चर फॉर्मूला देखा था। ये मैंने बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारा पूरा बेंडिंग स्ट्रेस ऐसे इसी से ही होगा। ये अपन ने देखा था, क्या देखा था बताओ, एम अपॉन आई, एफ अपॉन वाई, ई अपॉन आर, ये देखा था। ठीक है, आज अपन इससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, और एक इंपॉर्टेंट छोटा सा कॉन्सेप्ट और होता है कंपोजिट बीम्स का, वो देखेंगे। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। पिछले लेक्चर आप फिर देख रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, पिछला लेक्चर आप सब जने पहले देखिए, फिर ये वाला लेक्चर आप कंटिन्यू करिए। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, देखो एम अपॉन आई, एफ अपॉन वाई इक्वल्स टू ई अपॉन आर। अब ये सब क्या क्या थे, एम था बेंडिंग मोमेंट। अच्छा, एक और चीज़ के बेंडिंग स्ट्रेसेस जो हैं वो किसकी वजह से डेवलप होंगे, सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग मोमेंट की वजह से। किसी एक सेक्शन पर अगर मेरे को बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है, तो ओनली टू ओनली ड्यू टू सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग मोमेंट के कारण जो स्ट्रेसेस आएंगे वो ही हमें कैलकुलेट करने हैं। शीयर के, जो शीयर की वजह से आ रहे हैं वो स्ट्रेसेस कैलकुलेट नहीं करने। ठीक है, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वाई क्या था, वाई क्या था, न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। और एफ क्या है हमारा, स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस। ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब हर मटेरियल के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग होगा। और आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्लियर। ये सब अपन ने देखा था पिछले लेक्चर में, आज अपन इसी से ही रिलेटेड। पिछले लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन कराया था, वो स्क्वायर वाला, ध्यान रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि अपन ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ रहे हैं तो अपन को कॉन्सेप्ट्स नहीं, अपने कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन से ही क्लियर होंगे। आप बच्चे बोल रहे हैं कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्यों करा रहे हो, अरे बेटा तुम्हें एसएससी प्री दे रहे हो तो क्या मेंस नहीं दोगे, ठीक है। और एसएससी प्री में भी ऐसा कहीं लिखा हुआ थोड़ी कि वो कैलकुलेशन नहीं करवाएगा, बिल्कुल करवाएगा। आजकल तो एसएससी का लेवल बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, क्योंकि बच्चों का, बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ने लग गए, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो पेपर भी तो टफ बनने लगेंगे। तो एक क्वेश्चन देखो, मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखो एक आई सेक्शन दिया हुआ है। अब जैसे एक और चीज़ कि बेंडिंग स्ट्रेसेस पढ़ने से पहले मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आना चाहिए, आई आया था ना फॉर्मूले में, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मैंने बता चुका हूँ पहले, सेंट्रोइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले अपने चैप्टर में कैसे कैसे आई सेक्शन का, चैनल सेक्शन का कैसे निकालते हैं सब बताया रखा है। ठीक है, तो अब जैसे ये एक मैं सीधा क्वेश्चन ले रहा हूँ आई सेक्शन का, ये एक आई सेक्शन है,
आई सेक्शन, ठीक है? अच्छा देख के बताओ, ये आई सेक्शन है, क्लियर? अब मुझे पूछ रहा है कि एक 100x200 mm की एक सेक्शन है, ठीक है? अब 100 तो ये होगा, ये 100 है। मैं डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन लिख नहीं रहा, सिर्फ तुम्हें ऐसे ही समझा दूंगा। ये पूरा 200 है, ये पूरा 200 है। ये होती है फ्लेंजेस, ये होते हैं फ्लेंजेस और ये होता है वेब, ठीक है? थिकनेस ऑफ वेब और थिकनेस ऑफ फ्लेंजेस दे रखी है 12 mm, ये दे रखा है 12 mm और ये वाला दे रखा है हमारे को 8 mm, ठीक है? नहीं 10 mm। अब ये मत बोलना ये छोटा बनाया ये बड़ा बनाया आप, ठीक है? ये 10 है, ये 12 है, ठीक है? अच्छा अब क्या चाहिए? देखो क्वेश्चन बोल रहा है, अच्छा लेंथ भी गिवन है, हमारी बीम की लेंथ गिवन है 6 meter। अब ये सेक्शन है, ठीक है? तुम ये मत बोलना कि ये 200 लेंथ है, नहीं ये 200 ये सेक्शन है। ये ऐसे होता है देखो, आई सेक्शन अगर मैं तुम्हें ऐसे 3D में बना के बताऊं थोड़ा, ये यूं, ठीक है? ये बीम दिख रही है तुमने, वो देखी होगी, ठीक है? ये देखो इस टाइप में ऐसा होता है, ठीक है? रेलवेज की रेल्स देखिए, रेल्स, ठीक है? वो एक बीम ही है, ठीक है? तो इस टाइप में देखो, वो थोड़ा इस टाइप का होता है, ऐसे ऊपर हेड बना हुआ होता है। मैं खुद रेलवे में इंजीनियर हूँ, और फिर ऐसे नीचे से प्लेट होती है, ठीक है? और ये ऐसे जाता है। चलो ये काम का नहीं है अपने, सिर्फ ये आई सेक्शन, ठीक है? तो लेंथ अपने को कितनी गिवन है, 6 meter गिवन है। और पूछा क्या है? पूछा ये है कि 100x200 mm का एक स्टील जॉइस्ट है, आई सेक्शन, फ्लेंजेस दे रखा है, फाइंड द सेफ UDL दैट दिस सेक्शन कैन कैरी ओवर स्पान ऑफ 6 meter इफ परमिसिबल स्ट्रेसेस इज लिमिटेड टू 160। अब दे रखा है सिग्मा परमिसिबल 160 newton per mm square, ठीक है? अब देखो, अब कोई बोलेगा कि पूछा क्या है मैक्सिमम इसमें कितना वो UDL कवर, मैक्सिमम UDL ले सकता है, इसका लोड ले सकता है, ठीक है? तो अब मेरे को पहली बात समझ में आती है, क्वेश्चन में पूछा है कि इसके ऊपर कितना लोड आ सकता है, ठीक है? अब ये उस लोड की वजह से क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होंगे, क्योंकि ये क्या है, एक बीम है, ठीक है? अगर बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होंगे तो क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेसेस क्रिएट होंगे, बेंडिंग स्ट्रेसेस क्रिएट होंगे तो ये जो सिग्मा पी है वो क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट जितनी किसकी, बेंडिंग स्ट्रेस की है, 160 newton per mm square। तो अगर मैं वो फॉर्मूला लगाता m अपॉन i इज इक्वल्स टू f अपॉन y, ठीक है? तो मुझे क्या चाहिए था, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अगर मैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल दूं तो मेरे को UDL की वैल्यू भी निकल जाएगी, i मेरे को इसका सेक्शन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना इस सेक्शन का, वाई एफ, एफ तो गिवन है हमारे को, एफ क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल हमारी लिमिट किसकी, स्ट्रेस की, और वाई क्या होगा, जो ये मैक्सिमम लेगा न्यूट्रल एक्सिस से, ये न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है? ये न्यूट्रल एक्सिस होगी और इस न्यूट्रल एक्सिस से ये जो जितनी जो इसकी सबसे फार मोस्ट, जो इसका सबसे फार्थेस्ट सेक्शन होगा, अब जैसे ये एक ये भी सेक्शन होगा, एक ये भी सेक्शन होगा, एक भी सेक्शन, जिस सेक्शन का सबसे ज़्यादा अपने को वाई मिलेगी, ठीक है, वो हमें ले रहा है, ठीक। तो अपने अब मेरे सारा खेल किसका है, सारा खेल आई किसका, आई का है और वाई का है, क्योंकि एम तो हमें इवेल्युएट करना है, एफ गिवन है, तो इसका मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला में तुम्हें बता चुका हूँ कि 1/12 bd³ - bd³, यही होता है डायरेक्ट। तो बी डी क्यूब, बी पूरा 100, डी पूरा 200 माइनस, अच्छा ये स्मॉल बी कितनी होगी, ये दोनों माइनस कर दो, ये वाला देखो, ये इस रेक्टेंगल में से मैं अगर ये दो रेक्टेंगल माइनस कर दूं, दिख रहा है, ये देखो ये वाले, ये पूरे रेक्टेंगल में से मैं अगर ये दो रेक्टेंगल माइनस कर दूं तो मेरे को ये आई सेक्शन मिल जाएगा ना, बस वही कर रहा हूं मैं, ये वाले दो, तो इसकी बी कितनी होगी, देखो 100 में से कितना माइनस कर दूं, 100 में से 10 माइनस कर दूं इधर से, तो बचेगा कितना, ये पूरी लेंथ में से ये पूरी लेंथ माइनस कर दो तो इन दोनों रेक्टेंगल का बी मिल जाएगा, कितना मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 190 थोड़ी ओनली 90, ये 100 है ना, 100 में से 10 माइनस कर दो 90,
इंटू, अच्छा अब डी चाहिए मेरे को, तो डी में से क्या करना होगा, 200 में से ये 12 और ये 12 माइनस करूं, यानी कितना होगा 200 माइनस, इसको लिख दो ऐसे 200 माइनस 12 माइनस 12 का होल स्क्वायर, नहीं होल क्यूब, ठीक है। वापस इसको देखो, अगर दिख नहीं रहा हो तो 1/12 100 इंटू 200 क्यूब माइनस 90 इंटू ये कितना हो जाएगा 200, 188 और 176 का होल क्यूब, ठीक है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा, इसकी वैल्यू तुम निकाल देना कितनी आएगी, 25.778 है, इधर लिख रहा हूँ 25.778 इंटू 10 टू द पावर 6 mm फोर। अब यहाँ पूछी जाती है यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहला क्वेश्चन mm फोर, या यूनिट ऑफ सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, ये देखो mm फोर, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं, खासकर राजस्थान जेई और स्टेट ए जेई में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आ जाते कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होती है या सेक्शन मॉडुलस की यूनिट क्या होती है। सेक्शन मॉडुलस की यूनिट क्या होगी, देखो z होता है i बाई वाई, आई की mm फोर, इसकी mm, तो इसकी कितनी आएगी mm क्यूब, चलो i निकल गया। अब y निकालना है, y कितना निकलेगा मेरे को बताओ, y जो मैक्सिमम, अब ये सिमेट्रिकल सेक्शन है तो इसका जो न्यूट्रल एक्सिस है वो बिल्कुल हाफ में लाई कर रही है, यानी y मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई 100, तो इस फॉर्मूले में डाल देते हैं सीधे सीधे, तो m की वैल्यू आ जाएगी 160 इंटू आई, मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ, 2778 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन y कितना है 100, ठीक है। तो ये किलो न्यूटन मीटर में आएगा m, और ये किलोमीटर में आएगा 4 पॉइंट, इसकी वैल्यू आ रही है एक मिनट, ठीक है, जितना भी आया इसको क्या फर्क पड़ता है, m को अपने को तो m से थोड़ी मतलब है, अपने को तो क्या निकालना है UDL निकालना है, ठीक है। इसमें अपन डायरेक्ट कैलकुलेशन, इसको देखो निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी आगे कैलकुलेशन और होगी UDL की। अब UDL है तो मान लो इसके ऊपर ये UDL लग रहा होगा ऐसे, ठीक है, जैसे ये बीम बनाई थी मैंने, ये बीम बनाई थी मैंने ऐसे, और इसके ऊपर ऐसे ये UDL लग रहा है, ठीक है, ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ही लग रहा है, ये मैं तुम्हें ऐसे बता रहा हूँ, ये यूं जाएगी बीम और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ही लगेगा, ठीक है। तो UDL का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, WL कितना बताओ, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में मैं बता चुका हूँ इस अपन, अब देखो पहले पहले की पढ़ी हुई चीज़ें कितनी काम आती हैं, बेंडिंग मोमेंट अगर मेरे को मैक्सिमम नहीं पता होता कितना होता है, WL² / 8, ठीक है। अब ये W निकालना है मेरे को, L मेरे को पता है, तो ये मेरे को मैक्सिमम मोमेंट देगा mx, तो W रख दो W, L की जगह रख दो 6 × 6/8 इक्वल्स टू, ये mx अपन निकाल चुके हैं, ये देखो इधर 160 × 25.77 × 10^6/100, ठीक है, ये W निकल जाएगा यहाँ से, ये W ही तो अननोन है यहाँ पर, और W किस में निकलेगा, किलो न्यूटन पर मीटर में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9.167। देखो मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कॉन्सेप्ट बताना है, ये न्यूमेरिकल तो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये इसमें देखो एक ही क्वेश्चन में कितने सारे चैप्टर कवर हो गए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आ गया, ठीक है, वाई मैक्स निकाल दिया, सेंट्रॉइड निकाल दिया, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम निकाल दिया, ठीक है, और बेंडिंग स्ट्रेस तो कर ही रहे हैं, ठीक है। इसीलिए अब एक और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी ले लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बट वो एग्जाम में सीधे सीधे अपने को रिजल्ट याद करना है, वो कैसे आता है वो देखो कोई बताता नहीं है, पर मैं फिर भी बता रहा हूँ यहाँ पर, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बस ये चीज़ें होती हैं वो अपन को साथ साथ में लेके चलनी है, अब ऐसा नहीं है कि अपना ये लेक्चर भले एक घंटे का हो फिर भी तुम्हें एक घंटा देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि सर बहुत डीप में पढ़ा रहे हैं, अरे अभी तो टाइम बहुत पड़ा है अपने पास, कहाँ जाना है इतना तेज भाग के, ठीक है। आप क्वेश्चन करो साइड साइड में, जितने भी क्वेश्चन आपको मिले करिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़िए, वहाँ पर रोज के रेगुलर क्विजेज और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, आपको वहाँ पर भी डाउट हाथों हाथ सॉल्व हो जाता है। चलो अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है कि एक वुड का पीस है, ठीक है, सर्कुलर वुड, और इसमें से मेरे को रेक्टेंगल
काटना है, एक रेक्टेंगल का पीस काटना है बीम बनाने के लिए, ठीक है। जो स्लीपर्स होती है अपनारी, वुडन स्लीपर्स होती है टिम्बर की, ठीक है। मान लो मेरे को इस वुडन में से, इस टिम्बर के टुकड़े में से, इस लकड़ी के टुकड़े में से एक रेक्टेंगल का टुकड़ा काटना है, ठीक है। और कैसे काटूं? अब ये लेंथ मान लो एक्स है, ये लेंथ मान लो बी है, और इसका वाई है, और इसका डायमीटर डी है, ठीक है। कैसे काटूं कि ये मेरे को स्ट्रॉन्गेस्ट मिले, मतलब इसकी क्या डायमेंशंस हो, एक्स और वाई क्या हो, कि ये मेरे को जो बीम मिलेगी, अब ये पूरा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। ये बीम ऐसे रहेगी, ये यूं पूरा एक वुड का, जैसे एक पेड़ का पूरा तना है मान लो, ठीक। तो अपने को ये इसमें से क्या निकालना है, एक रेक्टेंगुलर बीम निकालनी है। इसमें से अपने को क्वेश्चन ये है कि फाइंड द स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टेंगुलर सेक्शन, फाइंड द स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टेंगुलर सेक्शन। अब नाम आ गया स्ट्रॉन्गेस्ट, किस में स्ट्रॉन्गेस्ट बेटा? ऑब्वियसली अगर ये बीम है तो किसके लिए होगा? सेक्शन मॉडुलस के लिए होगा, रेक्टेंगुलर सेक्शन फ्रॉम एक टिम्बर का पीस ले लो ऑफ डायमीटर डी, टिम्बर ऑफ डाया डी। अब ये क्वेश्चन है, बस अपने को तो क्वेश्चन से मतलब ये आता कैसे वो करना है, ठीक है। चले करें क्वेश्चन। अब देखो क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर पीस है, ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूं किसकी, सेक्शन मॉडुलस की, क्यों? क्योंकि मुझे अगर स्ट्रॉन्गेस्ट चाहिए मेरी बीम, तो क्या चाहिए होगा? स्ट्रेंथ को कौन डिनोट करता है? जेड डिनोट करता है। तो Z कितना होगा मेरी रेक्टेंगुलर बीम का? बी डी स्क्वायर बाई सिक्स अभी किया था, सॉरी, हाँ बी डी स्क्वायर बाई सिक्स। ये Z कैसे आया? I बाई वाई, बी डी वन बाई ट्वेल्व, बी डी क्यूब अपॉन डी बाई टू, तो बी डी स्क्वायर बाई सिक्स, याद है पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं अपन। तो B कितना है, देखो B है X और Y कितना है, सॉरी D कितना है, वाई स्क्वायर अपॉन सिक्स, ये है। अगर अब मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, तो दो वेरिएबल अपने पास x और y, किसी एक को किसी एक में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो ये एक क्या है, 90 डिग्री है, तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर होता है, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पुट कर दो, तो z कितना आ गया, x डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन सिक्स। अब इसको मैक्सिमम करने के लिए क्या करूँ, dz बाई dx को जीरो पुट कर दूँ, बस इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, डी स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना, ये आएगा जीरो पुट करो, d की वैल्यू कितनी आई, d बाई रूट थ्री x की वैल्यू, अपने को तो x चाहिए ना, d तो गिवन है, डायमीटर तो गिवन है हमारा, तो x की वैल्यू कितनी आई, d बाई रूट थ्री, ये हमें ध्यान रखना है। y भी निकालो इसमें पुट करके, y निकालो, तो देखो y स्क्वायर कितना आ गया, d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाई थ्री, ये आ गया अंडर रूट टू बाई थ्री डी वाई की वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सीधा क्वेश्चन आएगा, ये सीधा रिजल्ट याद रखना है कि इसकी विड्थ कितनी है और इसकी डेप्थ कितनी होगी रेक्टेंगुलर सेक्शन की। विड्थ तो होगी डी बाई रूट थ्री और डेप्थ होगी अंडर रूट टू बाई थ्री डी, क्लियर। चल अब अपन सीधा कंपोजिट बीम्स पे आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बट बहुत कम वेटेज है इसका, कभी मतलब पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, खासकर ठीक है एसएससी में पूछ सकता है, राजस्थान जेई में तो मुश्किल है। चलो कंपोजिट बीम्स पढ़ते हैं अपन, ठीक है। कंपोजिट बीम्स, चल देर का हुआ आंसर, 20 मिनट होगा ना, ठीक है 20 मिनट और हो जाएंगे। तो अब हम कंपोजिट सेक्शंस देखते हैं। अभी तक अपन ने क्या देखा था भैया, अगर आई सेक्शन है या रेक्टेंगुलर सेक्शन है या सर्कुलर सेक्शन है, वो सब क्या थे, एक यूनिफॉर्म सेक्शन थे, ठीक है। अब अपन कंपोजिट सेक्शंस की बात करते हैं कि अगर बीम मेरी एक या एक से ज़्यादा, एक नहीं एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा मटेरियल की बनी हो, जैसे
स्टील वुड इन दोनों को मिला दिया, दो मेटल्स को मिला दिया कॉपर एल्यूमिनियम, ठीक है ऐसे कंपोजिट बीम्स देखते हैं। ठीक है तो पहला इसमें मैं टाइप्स बता रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव है अपना पेपर, तो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है क्वेश्चन। तो पहला अगर बाईमेटलिक की बात करता हूँ मैं, बाईमेटलिक तो बाईमेटलिक बीम्स हमारी कैसी होगी, बाईमेटलिक बीम्स ऐसे होगी कि ये ऊपर ऊपर कॉपर है और नीचे एल्यूमिनियम है, या ऊपर कॉपर है नीचे स्टील है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ये दो अलग अलग मेटल की है ऊपर नीचे हो सकती है बिल्कुल। सेकंड सैंडविच्ड बीम, ये नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है इसीलिए सैंडविच्ड बीम। अब देखो नाम से नाम पता चल रहा है सैंडविच, सैंडविच कैसे बनता है जब किसी दो के बीच में एक कुछ और आ जाए, दो ब्रेड के बीच में एक अपन डालते ना बस वो। तो मान लो ये एक ऊपर स्टील है, बीच में है हमारी वुड और वापस नीचे और आ गई स्टील, ठीक है ये वुड। तो अगर ऊपर तो है स्टील और स्टील, क्योंकि वुड अगर है, वुड को हमको स्ट्रेंथ करनी है इस वुड, क्योंकि वुड है तो वुड में क्या होता है बताओ, सबसे खराब चीज क्या है, पानी की समस्या होती है। तो ऊपर और नीचे में अगर स्टील से इसको पैक कर दिया तो ये बीम की स्ट्रेंथ बढ़ गई। तीसरी फ्लिच्ड बीम, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है फ्लिच्ड बीम्स, ठीक है। अच्छा फ्लिच्ड बीम्स और सैंडविच बीम में बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस होता है कि भैया यहाँ पे देखो ये पूरी इनकी बी क्या है सेम है, विड्थ सेम है। फ्लिच्ड बीम में जरूरी नहीं है कि विड्थ सेम हो, ठीक है छोटा सा हल्का सा बीच में एक और आ जाएगी थिकनेस की और फिर वापस ये यूं। अब मान लो ये वुड है, ये वुड है और बीच में है स्टील ऐसे, तो यहाँ पे इसकी बी पर इसकी तो थिकनेस सिर्फ और सिर्फ टी है और डेप्थ दोनों की सेम है, ठीक है। इसमें डेप्थ अलग भी हो सकती है, नहीं ये बीच में अलग है ना, यहाँ पर ये वाली डी टू मान लो, ये डी वन मान लो, अलग भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है, क्लियर। तो ये फ्लिच्ड बीम्स होता है, फ्लिच्ड बीम का एग्जाम्पल है। और एक और फोर्थ टाइप की बीम होगी हमारी रीइंफोर्स्ड बीम, देखो आरसीसी बीम्स, ठीक है ये भी एक कंपोजिट बीम होगी। अगर कंक्रीट में मैं स्टील रीइंफोर्स कर दूं तो उसको क्या बोलूंगा, ये पूरा कंक्रीट है, ये ऊपर कंक्रीट है, ऊपर क्या ये पूरा सेक्शन ही कंक्रीट है और ये है हमारे स्टील रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो अपना काम की चीज यहाँ है, सवाल यहाँ से आएंगे, कॉन्सेप्ट यहाँ से आएंगे, ठीक है। फ्लिच्ड बीम को भी अपन समझेंगे, ठीक है। और सैंडविच और फ्लिच्ड बीम में बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है दोनों को एक भी मान सकते हो, कोई वो नहीं है, ठीक है। अपन सिर्फ फ्लिच्ड बीम नाम से अपन सिर्फ जैसे किसी स्टैंडर्ड किताब में या सिर्फ आपको ये दिखेगा फ्लिच्ड बीम्स, ठीक है इसलिए। चलो अब मैं फ्लिच्ड बीम्स बताने वाला हूँ कि फ्लिच्ड बीम में कैसे स्ट्रेसेस आएंगे, क्या रिलेशंस रहेंगे स्ट्रेसेस के, ठीक है। क्योंकि सीधे क्वेश्चन अब फ्लिच्ड बीम का आएगा, अभी इनमें से तो ठीक है आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन पता चले कि भैया कंपोजिट बीम्स होती क्या है, ठीक है। अब बात आती है कि फ्लिच्ड बीम्स को अपन सॉल्व कैसे करेंगे, आखिर अपने निकालना तो स्ट्रेसेस हैं, निकालने तो मोमेंट्स हैं, मैक्सिमम कितना मैक्सिमम मोमेंट ये बीम ले सकती है वगैरह वगैरह, ठीक है। चलो अब मैं एक फर्स्ट इसमें एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अब इसमें भी दो सेक्शन होंगे, एक सिमेट्रिकल एक अनसिमेट्रिकल, दोनों केस ले रहा हूँ मैं। पहला अगर मैं सिमेट्रिकल सेक्शन की बात करूँ, फ्लिच्ड बीम में ही सिमेट्रिकल सेक्शन, सिमेट्रिकल क्यों होगा मैं बता रहा हूँ, सिमेट्रिकल बीम या सेक्शन बोल दो ना, बीम थोड़ी आएगा सेक्शन, सिमेट्रिकल सेक्शन, सिमेट्रिकल फ्लिच्ड बीम मान लो, चलो फ्लिच्ड बीम, ठीक है फ्लिच्ड सेक्शन, चलो ये भी ले लो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि एक वुड बीच में स्टील और वापस वुड, ये अगर ऐसा कुछ सेक्शन है, ये इधर वुड है, ये मैं देखो ऐसे बना रहा हूँ तो ये समझ जाना ये वुड है, क्योंकि वुड्स में ऐसी परफोरेशंस होती है और बीच में है स्टील्स, क्लियर। अच्छा अब क्या होता है, अब मान लो इसकी है डेप्थ डी, ठीक है ये डेप्थ डी है और यहाँ है बी, बी इसको बी अलग अलग है ना, ये भी बी और ये भी बी ले लो और ये ले लो इसकी थिकनेस टी ले लो, अंदर स्टील है, यहाँ है स्टील और ये है वुड या टिम्बर,
ठीक है, यही एग्जाम्पल आएगा, क्वेश्चन भी आएगा ना अगर, तो स्टील और वुड का ही आता है, इसलिए मैं यही कवर करके चल रहा हूँ। चलो ठीक, इसका मान लो ये जो डेप्थ है स्मॉल डी है, ठीक है। अब देखो मेरा सेक्शन ये है, अब रेक्टेंगुलर सेक्शन कैसा होता था ऐसा, तो ये भी एक तरीके का रेक्टेंगुलर सेक्शन ही है, बट क्या है इसमें चेंज, बस मटेरियल का ही तो डिफरेंस है, ठीक है। अब मैं अगर न्यूट्रल एक्सिस ड्रॉ करूँ, अब देखो न्यूट्रल एक्सिस ये सिमेट्रिकल क्यों, मैं ये बता रहा हूँ, अगर मैं देखो यहाँ बीच में से एक ड्रॉ करूँ एक्सिस, ये न्यूट्रल एक्सिस बोल रहा हूँ, तो इसके ऊपर भी जो सेक्शन है वही सेम टू सेम नीचे सेक्शन है, देखो ये इसके बाद ये डी बाई टू, ये ऊपर भी डी बाई टू, कैपिटल डी बाई टू, इधर भी ऊपर स्मॉल डी बाई टू, ऊपर भी, तो ये पूरा एक सिमेट्रिकल सेक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, कौन सा फ्लिश्ड बीम का ही है, बट क्या है हमारा सिमेट्रिकल सेक्शन है। अब अपन अनसिमेट्रिकल भी पढ़ेंगे, तो पहले सिमेट्रिकल को देखेंगे फिर अनसिमेट्रिकल को देखेंगे, क्लियर कि कैसे उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा अब देखो इसको मैंने मटेरियल नाम दे दिया वन, वुड को मान लो वन दे दूँ और इसको दे दूँ टू, अब क्या होगा, जो ये पूरी पूरा सेक्शन है वो एक कंपोजिट बीम की तरह एक्ट करेगा, और जो इस पर दोनों की, अब जो टोटल बीम का मेरा मैक्सिमम मोमेंट आएगा वो इन दोनों के समेशन के बराबर आएगा, कि जितना वुड ले रहा है और जितना स्टील ले रहा है, M1 प्लस M2। क्यों कर रहा हूँ मैं प्लस, क्योंकि खुद की वुड की तो अलग स्ट्रेंथ होगी और स्टील की अलग स्ट्रेंथ होगी, इन दोनों का एक तो हो नहीं सकता, दोनों की अलग अलग ही आएगी, दोनों में अलग अलग स्ट्रेसेस आएंगे, ठीक है। तो जो मेरी टोटल बीम की, मैं बीम के मोमेंट्स की बात करूँ, जो मेरा मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, अब अपन सीधा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बताया था अच्छे से, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करूँ तो इन दोनों का अलग अलग आएगा, वुड का अलग और स्टील का अलग, क्लियर। एक तो ये चीज, और दूसरी इन दोनों में स्ट्रेंस जो हैं वो सेम आएंगे, E1 इक्वल टू E2, और ये मैं तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, स्ट्रेसेस और स्ट्रेंस में जब अपन कंपोजिट में जाए, कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन बोलते हैं इसको, कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन, स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी बोलो चाहे कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन बोलो एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि दोनों मटेरियल्स में स्ट्रेंस बिल्कुल सेम आएंगे। तो स्ट्रेन कितना होता है, सिग्मा अपॉन ई, अब सिग्मा वन अपॉन सिग्मा ई इक्वल टू सिग्मा टू अपॉन ई टू, ये ई वन और ई टू अब अलग हो गए क्योंकि दोनों मटेरियल अलग है, ठीक है। तो सिग्मा वन को मैं नाम देता हूँ सिग्मा वुड, ई वन को नाम देता हूँ ई डब्ल्यू, इसको नाम लेता हूँ ई एस, और इसको ले लेते हैं सिग्मा एस और ई एस। तो यहाँ से सिग्मा एस कितना आया, देखो सिग्मा एस स्टील में क्या चाहिए मेरे को, अब सिग्मा है, देखो जहाँ भी वर्ड सिग्मा आएगा ना वो नॉर्मल होता है, नॉर्मल स्ट्रेसेस, और इधर इस चैप्टर में अपन बेंडिंग स्ट्रेसेस से डिनोट कर रहे हैं, जहाँ भी वर्ड टाउ आएगा वहाँ शीयर की बात होगी, क्लियर। तो जहाँ भी सिग्मा है तो अपने आप समझ जाना वो नॉर्मल स्ट्रेस है या बेंडिंग स्ट्रेस है। तो ई एस अपॉन ई डब्ल्यू इंटू सिग्मा डब्ल्यू, ये हमारा काम की चीज़ है कि इनके स्ट्रेसेस में रिलेशन मिलेगा, और ई एस अपॉन ई डब्ल्यू को मैं नाम देता हूँ मॉड्यूलर रेशियो। ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में के एम क्या है, मॉड्यूलर रेशियो, एम इज मॉड्यूलर रेशियो, और ये क्या होता है, मोमेंट ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेशियो, और इसी फॉर्म में याद रखना ई एस अपॉन ई डब्ल्यू एम, ठीक है, या ई टू बाई ई वन। चलो तो ये एम होता है, तो इसको मैं ऐसे याद कर सकता हूँ कि सिग्मा एस इक्वल टू एम ई ई नहीं सिग्मा डब्ल्यू आएगा ना, सिग्मा डब्ल्यू, ये चीज इंपॉर्टेंट है, और यहां से हमारे के क्वेश्चन आगे सॉल्व होंगे, क्लियर। तो ये चीज समझ में आई एकदम, अब सीधा अनसिमेट्रिकल पे चले, ये सिमेट्रिकल बीम में हो गया, देखो चीजें वही हैं, चीजें सब वही होती हैं, बस उसकी एप्लीकेशन बढ़ती जाती है, ऐसे इसको हार्ड मत समझना कि सर ये क्या हो रहा है, नहीं बहुत चीज़ें आसान है, अगर आपको चीज़ें समझ में आएंगी तो आपको क्वेश्चन होगा ना, जरूरी थोड़ी है कि क्वेश्चन बस रिपीट ही रिपीट होगा, कुछ भी आ सकता है, कैसा भी आ सकता है, इसके आपस में कुछ रिलेशन पूछ ले, कैसा भी आ सकता है क्वेश्चन, तो अपने को सब प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब अनसिमेट्रिकल सेक्शन की बात करता हूँ, फिर इसका एक क्वेश्चन भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल करेंगे, और फिर क्वेश्चन सीरीज तो अपनी अलग चल ही रही है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जो ना न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स होते हैं बिन, जैसे सोम है, आरसीसी है, स्टील है, ये सारे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, इसमें अगर आप थ्योरी के साथ में न्यूमेरिकल नहीं बताओगे तो अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, ठीक है। अब मैं अनसिमेट्रिकल की बात कर रहा हूँ, अनसिमेट्रिकल सेक्शन, ठीक है। अनसिमेट्रिकल सेक्शन क्या होगा, जैसे मैंने वो बाईमेट्रिक का एग्जाम्पल दिया था ना, बस वो ही है, बट अलग चीज़ है, यहाँ पर है एक इनका है, इसकी इस बार अब क्या दे दी मैंने, विड्थ सेम दे दी,
और ऊपर मैंने मटेरियल दे दिया 1 और नीचे दे दिया मैंने 2, तो इसका डेप्थ दे दी मैंने D1, इसकी डेप्थ दे दी मैंने D2, क्लियर। तो अब देखो ऊपर तो है D1, नीचे है D2, तो कैसे सिमेट्रिकल हुआ? न्यूट्रल एक्सिस ऐसे होती है, हॉरिजॉन्टल ना कि वर्टिकल, ये भी ध्यान रखना। सर बच्चे बोलेंगे कि सर सिमेट्रिक तो है ही अभी भी इस एक्सिस के अबाउट, नहीं अपने को ये एक्सिस देखनी है, ठीक है। पिछली बार मैंने ड्रॉ करी थी ना, ये वाली एक्सिस देखनी है अपने को। इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है क्या? बिल्कुल नहीं, क्या ऊपर तो मटीरियल ही बिल्कुल चेंज हो गया, 1 और 2 मटीरियल ही चेंज हो चुका है। तो इसको क्या करते हैं, इसको अपन इक्विवेलेंट सेक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कि अगर ऊपर मान लो वुड है और नीचे मान लो स्टील है, तो पूरा मटेरियल को या तो वुड में कन्वर्ट कर दूं या पूरे मटेरियल को स्टील में चेंज कर दूं। वो कैसे चेंज कर सकते हैं? वो ऐसे चेंज कर सकते हैं, मैं अभी बताता हूं, ठीक है। ये भी आ गया, क्योंकि इसमें अपन को सिमेट्रिकल क्यों नहीं है, ये सिमेट्रिकल क्यों नहीं है, क्योंकि ये मटेरियल अलग अलग है, ठीक है। तो इसको अपन क्या करेंगे, किसी एक मटेरियल, ये ओरिजिनल सेक्शन की बात कर रहा हूं, ये क्या है, ओरिजिनल सेक्शन। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं वो भी बताऊंगा। ये है ओरिजिनल सेक्शन, इसका मान लो E1 है, इसका मान लो E2 है, ठीक है, क्लियर। देखो ये न्यूट्रल एक्सिस, ये ऊपर डेप्थ D1, ये ऊपर डेप्थ D2, और ये क्या है, दोनों की जो विड्थ है ओरिजिनल सेक्शन में B के बराबर है, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को 1 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 2 को जो मेरा मटेरियल 2 है उसको 1 में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 2 को देखो ऊपर 1 था नीचे कितना आ जाएगा 2। अब मेरे को ऊपर भी 2 बनाना है, नीचे भी 2 बनाना है, तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है। ये तो रहेगी मेरी B, ये तो मेरा रहेगा B, और ये मेरा हो जाएगा M टाइम्स ऑफ B, ठीक है। और ये मेरा पूरा मटेरियल है, 2 को 1 में कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो ये मेरा मटेरियल पूरा 1 बन गया, इसको हटा दो, ऐसे पूरा 1 लिख दो। अब ये पूरा मटेरियल एक ही है, ये पूरा मटेरियल अब 1 नंबर है, ठीक है। और M क्या होगा, E2 by E1 into B। तो ये मेरे को देखो एक सेक्शन पूरा किसका मिल गया, मान लो अगर ऊपर वुड था नीचे स्टील था, तो ऊपर पूरा। अब ये क्वेश्चन आता है सीधा, ठीक है, कि इसकी इफेक्टिव वो कितनी हो जाएगी, इक्विवेलेंट। अब ये इक्विवेलेंट सेक्शन है, ये इक्विवेलेंट सेक्शन है, ठीक है। अब ऐसे ही मैं अगर 1 को 2 में कन्वर्ट करूं, क्योंकि देखो पहले क्या था, 2 को 1 में कन्वर्ट किया, तो 1 तो बी का बी था, तो 2 की कुछ चेंजेस होंगे, 2 में कुछ चेंजेस होंगे ना, 2 नीचे था, 1 तो एज इट इज रहेगा। अब क्या होगा, 1 को 2 में कर रहा हूं तो 1 में चेंजेस आएंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा MB, और इस बार E1 अपॉन E2 आएगा, ध्यान रखना B अपॉन M, ये B अपॉन M बनेगा, ठीक है। इसको छोटा बना दिया, गलत बना दिया, ऊपर छोटा बनेगा नीचे बड़ा बनेगा, क्योंकि B तो B में से कम हो रही है ना चीज, ये ऐसे बनेगा। अब ये वाला कौन सा मटेरियल है, पूरा 2 का 2, और यहाँ है B और यहाँ है B/M या E1/E2 टाइम्स ऑफ B, ठीक है। बस ये चीज़ अपन को समझनी थी, क्योंकि अब ये मेरे को पूरा एक सेक्शन मिल गया। अब तो बस भले जैसे मैंने आई सेक्शन को सॉल्व किया था, या चैनल को सॉल्व किया था, या टी सेक्शन को अपन सॉल्व करते, तो बिल्कुल ये एक तरीके का टी सेक्शन बन गया, ठीक है। बस इसका अपने को सेंट्रल एक्सिस निकाल के जो भी निकालना है, स्ट्रेसेस सारे निकल जाएंगे, ठीक है। तो बस ये चीज़ थी इंपॉर्टेंट। अब एक सीधा न्यूमेरिकल ले लेते हैं लास्ट, फिर अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। न्यूमेरिकल अच्छा है, फ्लिश बीम का न्यूमेरिकल है, ठीक है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अपन पढ़ तो SSC JEE के लिए भी रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है इसका न्यूमेरिकल वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। चल अब एक क्वेश्चन है फ्लिश बीम्स का ले रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या क्या गिवन है, अपने को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है क्वेश्चन में, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है फ्लिश बीम का, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। और ये बीम ऐसे गिवन है, ये बीम हमारी ऐसे गिवन है, तो ये एक फ्लिश बीम है, ये क्या है हमारा वुड,
ठीक है, और ये है हमारी स्टील। ये क्या क्या गिवन है, 80 गिवन है, ये भी 80, ये भी 80, ये है 12, और ये गिवन है 240, और ये गिवन है 160। ठीक है, ये एक सिमेट्रिकल बीम है, तो सिमेट्रिकल बीम में मैंने क्या कंडीशन बताई थी, देखो सिग्मा एस इज इक्वल्स टू एम टाइम सिग्मा डब्ल्यू था, ये याद है ना, बस ये वाला कंडीशन अपन यूज करेंगे। और क्या क्या गिवन है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इफ अलाउेबल स्ट्रेस इज दिस। अब अलाउेबल स्ट्रेस क्या क्या गिवन है, और अलाउेबल स्ट्रेस मैक्सिमम वॉल्यूम 9 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और m भी गिवन है हमारे को, कि एक ये भी रिलेशन गिवन है हमको कि es इज इक्वल टू 20 ew, ये भी गिवन है। ठीक है, तो अब यहां आ जाओ, ये चीज इंपॉर्टेंट है, हमें क्या करना है, हमें निकालना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मैंने बताया था कि दोनों का समेशन होगा m इक्वल्स टू m1 प्लस m2, सीधी बात है। ठीक है, अब इसका शीयर, अब इसका बेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगा, ये देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि इसके जस्ट बिल्कुल सामने बनना चाहिए एज इट इज, तब तुम्हें एकदम क्लियर आएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, क्या क्या था, के ई एस गिवन था 20 ew, और क्या गिवन था इधर से अपने पास, अलाउेबल है ही, ठीक है, अच्छा वो तो मैंने बस फॉर्मूला लिखा था। चलो यहाँ आ जाओ, मैं अगर इस एक्सिस के अबाउट मुझे अब स्ट्रेस, मैं एक बार डायग्राम बना रहा हूँ, स्ट्रेस का डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्या बोला है 9, तो 9 किधर आएगा, आउटर फाइबर्स में मैक्सिमम यहाँ पर प्लॉट हो सकता है, ये यूं या ये यूं जाएगा, तो ये तो किसका है, वुड का है, देखो ये वुड का है, स्टील तो यहाँ पर है, स्टील तो यहाँ है, इसके इधर के अबाउट यहाँ है स्टील, तो ये तो मैंने वुड का बनाया है, ये है 9, ठीक है, इधर भी 9 होगा, इधर भी 9 होगा, क्लियर। अब मुझे क्या चाहिए, स्टील का बनाना है, चलो दूसरे पेन से बना लेते हैं, तो स्टील में अगर, क्योंकि स्टील तो सिर्फ यहां यही है, देखो स्टील तो यहीं है, तो इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसे बनेगा, स्ट्रेस डायग्राम ही है ओनली, स्ट्रेन नहीं है, ठीक है, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू आएगी इधर, और इधर भी आएगी ज़्यादा ऐसे, और ये भी न्यूट्रल एक्सिस को इधर जीरो होते हुए ये ऐसे, ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी सिग्मा एस, ये वैल्यू आएगी सिग्मा एस, क्योंकि स्टील में मैक्सिमम स्ट्रेस तो मुझे यहाँ मिलेगा ना, स्टील का आउटर फाइबर सबसे ज़्यादा, सबसे वाई मैक्स, देखो सारा खेल वाई का है ना, ये यहाँ अगर ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये इसको दूसरे पेन से बना लेते हैं, और ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस थी, ये न्यूट्रल एक्सिस थी, ठीक है, इस न्यूट्रल एक्सिस के अगर मैं ऊपर देखूं तो वाई मैक्स कहाँ मिलेगा मेरे को, स्टील का, क्योंकि अब देखो सेक्शन अलग अलग है, ठीक है, ऊपर वुड है, क्योंकि इस तरफ वुड भी है और स्टील भी, अपन दोनों ने एक साथ प्लॉट किया है, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए होगा, ये जो 9 है, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग इसका स्ट्रेस चाहिए होगा, तो जाके मैं वो रिलेशन लगा सकता हूँ, ई एस इज इक्वल्स टू एम ई डब्ल्यू, यहाँ बच्चे तकते हैं, डायरेक्ट 9 नहीं लेना है अपन को 9 नहीं लेना है, अपने को डायरेक्ट इस, अपने को पहले सिग्मा डब्ल्यू, यहाँ डायरेक्ट 9 मत ले लेना इस फॉर्मूले में, हमें क्या करना है, सिग्मा डब्ल्यू निकालना है इस सेक्शन पर, क्यों, क्योंकि यहाँ स्टील तो हमारा यहीं तक ही है ना, ऊपर तक स्टील थोड़ी है, बात आई समझ में, तो सबसे पहले मुझे निकालना है स्ट्रेस इन द टिम्बर एट लेवल ऑफ स्टील, ठीक है, टिम्बर में कितना स्ट्रेस होगा या वुड में कितना स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस इन वुड बोलूं या टिम्बर, क्योंकि टिम्बर मटेरियल है, अपन एग्जैक्ट नाम ले लो, टिम्बर ही सही है, ठीक है, एट लेवल ऑफ स्टील, तो कैसे निकालूं, सिमिलर ट्रायंगल से, अगर ये 9 थी, ये देखो अब ये आधी कितनी है, इसकी आधी होगी 80 और इसकी आधी होगी 120, तो सीधे लिख दूं 9 × 80/120, अब जिसको ये चीज समझ नहीं आई वो जाके वापस 8th-9th क्लास में सिमिलर ट्रायंगल पढ़े, ठीक है, क्योंकि ये एक ट्रायंगल सिमिलर, इसके एक ट्रायंगल सिमिलर, तो दिस अपॉन 9 इक्वल टू 80/120, देखो x अपॉन 9 इक्वल्स टू 80/120, ये लगाते हैं अपन सिमिलर ट्रायंगल, तो यहाँ से हमें क्या निकल जाएगा, इसकी वैल्यू निकल जाएगी, ये आएगी 6 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये क्या निकला, सिग्मा डब्ल्यू निकला, ये निकला सिग्मा डब्ल्यू, तो सिग्मा एस निकाल दो, बहुत सिंपल, सिग्मा एस हो जाएगा m इंटू सिग्मा डब्ल्यू, m कितना है 20, देखो इंटू कहाँ गया,
ये सिक्स, ये आया 120। देखो ये वैल्यू आ रही है 120 के बराबर आ रही है, 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। क्लियर? हमें क्या क्या निकल गए, सिग्मा एस भी निकल गया और सिग्मा डब्ल्यू तो पता ही था। क्लियर? अब हमें क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए मुझे क्या फ्लेक्सर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? बिल्कुल लगाना पड़ेगा। आगे डस्टर हमारा, ये रहा हमारा, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, फ्लेक्सर फॉर्मूला। तो फ्लेक्सर फॉर्मूला लगाओ। फ्लेक्सर फॉर्मूला से मैंने देखा था कि एम बाई आई इज इक्वल्स टू एफ बाई वाई। ये आई वहाँ आई बाई वाई बना के ये सीधा एम की वैल्यू में एफ इंटू जेड देखा था अपन ने पहले, याद करो, ठीक है। एफ हम निकाल चुके हैं, दोनों के अलग अलग एफ निकाल चुके हैं, जेड चाहिए अब हमें, ठीक है। अब कॉप इसका वुड का अलग जेड आएगा और किसका अलग जेड आएगा, स्टील का अलग जेड आएगा। तो मैं पहले जेड डब्ल्यू की बात कर रहा हूँ, तो वही 1/12 आई कितना था, 1/12 बी डी क्यूब अपॉन बी बाई टू डी बाई टू, तो बी डी स्क्वायर बाई सिक्स होता है, तो डायरेक्ट लगा रहा हूँ बी डी स्क्वायर बाई सिक्स। तो जेड डब्ल्यू कितना देखो 160, बी कितनी है 160, ये 80 और 80 पूरी बी बना रहा हूँ एक साथ बी डी, और डी कितना है, डी कितनी है पूरी 240 है ना, 240 स्क्वायर बाई सिक्स ये निकला जेड डब्ल्यू। जेड एस, जेड एस कितना निकलेगा, बी कितना है इसका 12 और डी कितना है इसका 160 स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिक्स, ये दोनों निकल के आएंगे, ये दोनों निकल के आएंगे हमारे 1536 इंटू 10 की पावर 3 mm क्यूब। देखा, पहले तो बात कि इसका मोमेंट की सॉरी सेक्शन मॉडुलस की यूनिट कितनी होती है mm क्यूब। अगला आएगा ये आएगी 51.2 इंटू 10 की पावर 3 mm क्यूब, ठीक है। जेड एस पता है, जेड डब्ल्यू पता है, तो देखो m इक्वल टू m1 प्लस m2 या m w प्लस m s। m w क्या होगा, एम डब्ल्यू क्या होगा, सिग्मा डब्ल्यू इंटू जेड डब्ल्यू, और एम एस क्या होगा, सिग्मा एस इंटू जेड एस होगा कि नहीं होगा। अच्छा अब मुझे बताओ कि मैं सिग्मा डब्ल्यू यहाँ 9 लूँ या 6 लूँ, पहले डाउट, क्योंकि मुझे तो क्या चाहिए, जेड डब्ल्यू तो निकाल चुके, ठीक है। सिग्मा डब्ल्यू मैंने इधर याद करो यहाँ पे 6 भी निकाला था, क्योंकि किस लेवल पे निकाला था, स्टील के लेवल पे निकालने के लिए, ठीक है, यहाँ 6 निकाला था। तो 6 लूँ या 9 लूँ, 9 लूँगा। क्यों 9 लूंगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू लेनी है मेरे को, मैक्सिमम वैल्यू लेनी है किसके लिए, वुड के लिए, तभी इस तो जाके मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ें अपने को मैक्सिमम, सेक्शन मॉडुलस मैक्सिमम, शियर स्ट्रेसेस मैक्सिमम, सब कुछ मैक्सिमम, तब जाके वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकलेगा उस बीम का, ठीक है। तो एम डब्ल्यू जो होगा हमारा, एम डब्ल्यू होगा वो 9 इंटू कितना लेंगे, ये लेंगे, और एम एस कितना होगा, एम एस कहाँ गया 120, क्यों, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू थी इसकी, इंटू 51.2 इंटू 10 की पावर 3, इन दोनों को ऐड कर देना, मेरा आंसर आ जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन, ये आंसर निकलेगा 19.96 किलो न्यूटन मीटर। ये न्यूटन उसमें है, ये न्यूटन एमएम में है, ध्यान रखना इसको 10 की पावर 6 से डिवाइड करना, तब जाके आएगा 19.6 किलो न्यूटन मीटर, ओके। तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को और इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा शीयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। बेंडिंग स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अपन ने कवर कर लिया, अब पहला लेक्चर भी देखना, ये लेक्चर भी देखना, आपको कोई भी डाउट आए सीधे पूछो, ठीक है। तब तक गुड बाय, गुड लक, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंटीग्रेट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इंटीग्रेट इट।